So now we have reached the advanced bell stage. So advanced bell stage कैसे start होता है? तो mineralization and root formation ये होते हैं इसके characteristic. Mineralization मतलब कि enamel formation start हो जाता है, dentine formation start हो जाता है, ये पूरा mineralized होने लग जाते हैं. इसलिए second thing ये है कि डेंटो इनेमल जंक्शन बनने लग जाता है, मतलब कि जो इनर इनेमल एपिथीलियम है और ओडोंटोब्लास्ट की जो सेल्स है उसके बीच में ये फ्यूचर डेंटाइनो इनेमल जंक्शन बनने लग जाता है. अब थर्ड थिंग ये है कि जो डेंटल लेमाइना था यहाँ पे, कि ऐसा डेंटल लेमाइना था, ये हो जाता है डीजनरेट. और हमने देखा था कि बाद में ये डीजनरेटेड पार्ट के जो कुछ पार्ट बच जाते हैं ये बनते हैं सेल्स ऑफ सेरीज. थर्ड ये है कि इनेमल फॉर्मेशन होता है. इनेमल फॉर्मेशन कब होता है? जब डेंटिन की एक लेयर, ये डेंटिन है हमारा, इसकी एक लेयर जब बन जाती है उसके बाद जो इनर इनेमल एपिथीलियम है वो यहाँ पर इनेमल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर्स HERS बनना स्टार्ट होता है. तो वो ये पार्ट है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट दिस पार्ट विच इज़ गॉटन इनसाइड हेयर हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड, ये जो HERS बन रहा है ये बन रहा है सर्वाइकल पार्ट, इनेमल ऑर्गन के सर्वाइकल पार्ट से. ये जो है ये पिंक पोर्शन, ये हमारा इनेमल ऑर्गन, ये पूरा ये जो सेल्स दिख रही है इनर एंड आउटर इनेमल एपिथीलियम, दिस इज़ द इनेमल ऑर्गन, और इसके सर्वाइकल पोर्शन से बन रहा है HERS. और ये HERS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे रूट फॉर्मेशन के लिए. और इसमें अगर हमें मार्क करना होगा कि डेंटाइनो इनेमल जंक्शन कौन सा है, तो ये वाला जो है ये पार्ट, दिस विल बी द DEJ.